हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद होमवर्क क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल्स सीखा था, मतलब फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं बाइनोमियल में हमने क्या सीखा था। देखो, बाइनोमियल में मैंने क्या बोला था कि 1+x होल रेज टू पावर n को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, या तो 1 लिख सकते हैं, या 1+nx, या 1+nx+n * n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वो डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। ऐसा कर क्यों रहा है, बिकॉज x अगर 0 को जा रहा है तो डोमिनेटिंग टर्म्स कौन सी होंगी मेरी, जिनका एक्सपोनेंट कम होगा, लोएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म डोमिनेटिंग होगी। अच्छा, तो अभी मैंने क्या बोला कि कहां तक एक्सपेंड करेंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो उसके लिए मैंने एक नोट लिखवाया था, यू हैव टू एक्सपेंड टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म, ठीक है ना। जब तक हमारी टर्म कैंसिल नहीं होती, जब कैंसिल हो गई उसके बाद एक और लिख दिया बस, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज बोली थी कि हम ज्यादा लिख सकते हैं बट कम लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा कितना भी लिख दो, आगे जाके हमें वैसे ही अप्रोक्सीमेट करना ही पड़ेगा, हायर पावर टर्म्स को नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा लिमिट निकालने के लिए। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा लिख सकते हैं बट कम लिखना अलाउ नहीं है, क्लियर है। तो ये हो गया था हमारा बाइनोमियल का। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो पहले देखते हैं हम ये कौन सा फॉर्म है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट ऑफ 13+3 कितना हो गया, रूट 16, विच इज 4। तो 4 - 4 0, तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है और डिनोमिनेटर भी मेरा 0 को जा रहा है, दिस इज रूट 16 माइनस 4। तो 0/0 का फॉर्म है। तो सुनना, तो अब क्या करें हम, देखो अब जैसे कि हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी इसको कर सकते हैं, बट मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी हमारा जो वेरिएबल है वो किसी और कॉन्स्टेंट को जाएगा इंस्टेड ऑफ 0, तो पहले हम उसको 0 के पास लेके आएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो अब जैसे अभी भी जो हमने बाइनोमियल पढ़ा उसमें 1 प्लस समथिंग मैंने ऐसे याद करने को बोला था तुमको, 1 प्लस समथिंग होल रेज टू पावर n वेयर माय समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो समथिंग है, वेरिएबल है, वो 0 को चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या किया सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू t+3। ऐसा करने पे जो मेरा नया वेरिएबल होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू x - 3। तो देखो जब t x 3 को जाएगा तो t कहां जाएगा, 0 को, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इधर लगाएंगे, क्लियर है बच्चों। चलो तो इसको लगाते हैं, तो ये हो गया 13+x और x की जगह रखा t+3, इसका पावर हाफ -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो वो पावर में चला जाएगा 10+2x, तो 2x क्या हो जाएगा 2t+6, इसकी पावर हाफ -4। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा इधर हो गया नया लिमिटिंग वेरिएबल, दैट इज टी, दैट विल टेंड टुवर्ड्स 0, ठीक है। अच्छा, अब देखना आगे करते हैं इसको। तो पहले इसको एक बार और लिख लेता हूं मैं, दिस इज लिमिट टी इज टेंडिंग टुवर्ड 0, 6+t होल पावर हाफ -4 अपॉन, दिस इज 16+2t होल पावर हाफ -4, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा बाइनोमियल था उसमें क्या होना चाहिए, 1+something होना चाहिए, बट इधर तो अभी 6+something लिखा है, इसका मतलब हम क्या करें, 6 कॉमन ले लेते हैं उसमें से। अच्छा 6 नहीं, एक मिनट, 13+6 ये 16 है, दिस इज 16, एक बार चेक कर लो, 13+3 16, हाँ ये 16 है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 16 बाहर ले रहा हूँ, सो दैट इधर 1+3 आ जाए, तो 16 बाहर लूंगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4 बन के बाहर आएगा, तो दैट विल बी 4, मैं इधर लिख रहा हूँ 4, और इधर बचेगा 1+t/16 होल पावर हाफ -4 अपॉन, इधर से मैं क्या कॉमन लूँ, मुझे इधर बनाना है, देखो टी इधर टी जरूरी नहीं, 2t भी चलेगा, बिकॉज अगर टी 0 को जाएगा तो 2t भी 0 जाएगा, 2t हमारा समथिंग का काम करेगा, इधर मेरे को 1 बनाने का है, ठीक है ना। तो 16 कॉमन लूंगा तो मैं 4 बाहर आएगा, दिस इज 1 प्लस और 2t/16, दिस इज 3/8 होल पावर हाफ -4, और मेरा क्या है लिमिट टी टेंड्स टू 0, क्लियर है। अब इसको अब मैंने बोला एक्सपेंड करते हैं, तो 4 इंटू 1+nx, तो 1+n इज 1/2 इंटू एक्स, हियर एक्स क्या होगा हमारा समथिंग, क्या होगा t/16, तो t/16। अब मैंने बोला था क्या कि वैसे तो हम कितने भी टर्म्स लिख सकते हैं, बट कहां तक लिखेंगे हम, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। तो देखो अगर मैं इधर लिखते जाता, फिर मैं इधर -4 लिखूंगा, तो ये -4 तो इस +4 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज द लास्ट कैंसिल्ड टर्म, इसके बाद एक टर्म काफी है, टी स्क्वायर वाला लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर है। अच्छा चलो अब आगे आते हैं, तो मैंने लिखा ये भी हो गया 4 इंटू
वन प्लस एन इंटू एक्स, एक्स का काम इधर क्या कर रहा है टी बाई एट प्लस समथिंग डेट 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 डैश माइनस फोर, तो अगेन दिस फोर इज गेट कैंसिल विद दिस फोर, ठीक है। अब तो ये बहुत आसान हो गया, ये फोर से फोर गया, ये हाफ से हाफ गया, टी बाई सिक्सटीन अपॉन टी बाई एट इज नथिंग बट हाफ, तो हमारा आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन में क्या खासियत थी, इधर हमें वन प्लस समथिंग बनाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। वन प्लस समथिंग पांच बार दिमाग में बोलो, वन प्लस समथिंग रेस, वन प्लस समथिंग रेस टू पावर एन को, और वेयर समथिंग शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो, तब मैं क्या लिखूं, वन प्लस एन ए एन इंटू समथिंग वन प्लस एन एक्स, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं दो टर्म से काम चल जाएगा, तीसरी बहुत कम जरूरत पड़ेगी और चौथी तो मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी तो हम लिख देंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। देखना नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो था हमारा, दैट वाज एक जिसमें स्क्वायर रूट था और क्यूब रूट था, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ, हियर इट इज क्यूब रूट, याद रखना स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब ऑफ प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अगेन हमारा टारगेट क्या है कि पहले माइनस इंफिनिटी है तो हम इंफिनिटी से ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं, तो पहले हम एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एक्स को माइनस टी से, सो दैट जो मेरा नया वेरिएबल होगा वो इंफिनिटी को जाएगा, अप्रोच करेगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, तो इससे मेरा क्या हो गया, लिमिट टी टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि अगर एक्स अगर माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, टी कितना है इंफिनिटी को जाएगा, तो इधर मेरा बचा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह माइनस टी का स्क्वायर विच इज टी स्क्वायर, और इधर हो गया माइनस टी प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब की जगह हो गया माइनस टी क्यूब और प्लस सिक्स टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, देखो अब क्या किया इसमें मैंने, पहले मैंने इसमें टी कॉमन लिया, इस वाले पार्ट अंदर से टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो मेरा ये आ जाएगा टी टाइम्स अंडर रूट ऑफ, चलो अंडर रूट को मैं वन बाई टू लिख रहा हूँ पावर में, तो ये हो गया वन माइनस वन बाई टी होल पावर हाफ, देखो एक बार जब टी स्क्वायर बाहर लूंगा तो टी बन के बाहर आएगा, इधर होगा वन माइनस वन बाई टी होल पावर हाफ। अच्छा अब इधर से मैं कॉमन ले रहा हूँ, चलो माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस मतलब माइनस टी क्यूब कॉमन ले रहे थे तो वो टी बन के बाहर आएगा, क्यूब रूट ऑफ माइनस टी क्यूब इज माइनस टी, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नहीं है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव वी कैन टेक, क्यूब रूट ऑफ माइनस एट इज माइनस टू, ठीक है। हाँ अब हमारा इधर क्या आया, अंदर बचा पावर लिख दूंगा मैं, इधर बचा वन माइनस सिक्स बाय टी माइनस वन बाय टी क्यूब, देख लो एक बार पावर वन बाय थ्री करके देख लो एक बार, हमने जब अंदर टी अंदर भेजूंगा तो क्यूब बन के जाएगा, तो इधर अगर माइनस टी भेजूंगा तो माइनस टी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स टी क्यूब अपॉन टी प्लस सिक्स टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टी की पावर क्यूब अपॉन क्यूब विच इज वन, करेक्ट है। अब मैंने टी को बाहर ले लिया, तो टी को पूरा बाहर लिख लेता हूँ मैं, मैंने लिखा वन माइनस वन बाई टी होल पावर वन बाई टू माइनस और वन माइनस सिक्स बाई टी माइनस वन बाय टी क्यूब होल पावर वन बाई थ्री। अच्छा अब देखो एक काम और कर सकते हो, जीरो की तरफ भी ला सकते हो, ठीक है ना, नहीं लाना है तो चलेगा, बट इफ यू कैन मेक इट टेन टूवर्ड जीरो ऑल्सो। अब मैं अल्टीमेटली बाइनोमियल यूज करने वाला हूँ, वन प्लस समथिंग, अब देखो टी इन्फिनिटी को जा रहा है जो वन के साथ एडिशन में लिखा है, वन माइनस वन बाय एक्स लिखा है, तो वो वन बाय वन बाय टी कहाँ जाएगा, जीरो को, तो बेटर है देखो जैसे मेरा प्रेफरेंस क्या होता है, आई यूज टू मेक इट टेन टूवर्ड जीरो, जैसे बाइनोमियल के क्वेश्चन से करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमारा क्या था वन प्लस समथिंग और जो समथिंग था दैट टेन टूवर्ड जीरो, तो इधर आई विल प्रेफर जीरो लाना, विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन सॉल्व, ठीक है। मैं लेके आ रहा हूं, तो मैंने लिखा लेट टी इज इक्वल टू वन बाय जेड, तो इससे मेरा नया वेरिएबल क्या होगा, जीरो की तरफ जाएगा टी अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा टी की जगह वन बाय जेड, इधर आ जाएगा वन माइनस जेड होल पावर हाफ माइनस वन माइनस सिक्स जेड माइनस जेड क्यूब होल पावर वन बाय थ्री, क्लियर है। इस जेड को मैं नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर ऑफ दिस, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब आगे प्रोसीड करते हैं, तो अगेन वन प्लस एन एक्स
तो यूज करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस एन ईयर इज हाफ, और एक्स क्या कर रहा है मेरा काम, माइनस जेड का काम, माइनस जेड। और भी टर्म्स लिखेंगे, देखते हैं कितना कैंसिल होता है उसके हिसाब से। अभी मैंने डैश डैश लगा दिया, माइनस, और इधर आएगा वन प्लस वन बाय थ्री इंटू एक्स, और एक्स का काम इधर क्या करेगा, माइनस सिक्स जेड माइनस जेड क्यूब, क्योंकि इसको समथिंग बोल रहा हूं मैं, माइनस सिक्स जेड माइनस जेड क्यूब, वो जीरो को जा रहा है, अगर जेड जीरो को जाएगा तो ये मेरा क्या है, लिमिट जेड इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, वो जो समथिंग है दैट शुड टेंड टूवर्ड जीरो। तो इधर मेरा आया वन माइनस सिक्स जेड माइनस जेड क्यूब, क्लियर है। आगे के टर्म आएंगे देखते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना, विल सी। चलो, और नीचे लिखा है जेड, ठीक है। चलो तो अब देखो, ये टर्म कैंसिल हो रहा है वन से, ये वाला वन कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं जेड का टर्म कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो इधर से आया माइनस जेड बाय टू, माइनस जेड बाय टू, इधर से आया माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस टू जेड और प्लस जेड क्यूब बाय थ्री। चलो कैंसिल नहीं हुआ, अगर ये कैंसिल हो जाता तो मुझे जरूरत पड़ जाती, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाते ना, तो फिर मुझे इधर एक और टर्म लिखना पड़ता, इधर भी टर्म लिखना पड़ता, क्लियर है। जब तक कैंसिल नहीं होते, अब कैंसिल नहीं हो पाए, जीरो नहीं आया इन दोनों का सम, तो हमारा काम चल गया। अब नीचे जेड लिखा है और लिमिट जेड इज स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, तो हायर ऊपर वाले का ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा इफेक्टिव डिग्री के कारण, तो अल्टीमेटली ऊपर क्या बचा, टू जेड माइनस जेड बाई टू, थ्री जेड बाई टू डिवाइडेड बाय जेड, तो मेरा आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इज थ्री बाय टू। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, वो मैंने बोला था कि दैट वाज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आल्सो, तो पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसके अंदर हम उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो डालो नया टॉपिक, स्टैंड इवेल्युएटिंग लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इवेल्युएटिंग लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो मैं लिख लेता हूं उधर, केवल मैं इतना लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें पहला है अभी हमारा, देखना क्या लिख रहा हूं, वही जो कल हमने देखा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, दिस विल बी एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, दिस रिजल्ट विल बी एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन। इसे सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं, मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स क्यूब माइनस, चलो इसको लिख लिया क्यूब ले लिया मैंने, एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली जाऊंगा, देखो वैसे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, एक्स माइनस टू का फैक्टर होगा, फिर उधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बट डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। तो ए की जगह मेरा क्या है, टू टू है, और एन की जगह क्या है, थ्री, तो थ्री इंटू टू की पावर थ्री माइनस वन, विच इज थ्री इंटू टू स्क्वायर विच इज फोर, दैट इज ट्वेल्व। क्या बोला मैं इसको, एक और तरीके से कैसे करता, ऊपर को लिखता एक्स माइनस टू, फिर आता एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, तो फैक्टराइजेशन से, दिस इज मेथड टू, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, अगर एक्स टू को जा रहा है तो ये जीरो को जा रहा है, जीरो तो नहीं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप एक्स इजिकल टू इसमें रखते हैं तो क्या आता, टू टू द फोर, फोर प्लस फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व, तो हमारा ऐसे आ जाता। आई वॉज जस्ट टेलिंग कि इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर डायरेक्टली क्लिक कर जाता है तो मैं, तो डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला ना, इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजिंग, क्लियर है। अच्छा इसका एक स्पेशल केस भी लिख लो, व्हेन ए इज वन, तो उसको नोट करके लिख लेते हैं पहले, या फिर इसी में लिख लो स्पेशल केस, वो भी फ्रिक्वेंटली यूज होगा तुम लोगों का। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो मैंने लिखा एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, क्या किया मैंने बेसिकली, ए की जगह वन रख दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, दिस इज एन, इसको भी याद रखेंगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्लियर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एन, सिंपली इसमें ए की जगह वन रखा। चलो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत से बच्चों का आया भी है, रिप्लाई दिए हैं मुझे स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड, वील प्रूफ इट यूज़ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो अगर अभी भी ट्राई नहीं किया हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड एक बार ट्राई करो यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है। अब मैं इसका बता रहा हूँ प्रूफ, देखना मैंने क्या बोला था, सबसे पहली बात लिमिट में हम नया जो वेरिएबल है, आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक इट जीरो, मतलब टेंड टुवर्ड जीरो, तो उसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा मैं, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब अगर एक्स ए को जाएगा तो टी जीरो को जाएगा, मतलब बिट गया हमारा काम, तो इधर से मेरा एक्स कितना है, टी प्लस ए,
तो अब देखो नया वेरिएबल लिमिट टी टेंड टूवर्ड जीरो, एक्स की जगह लिखा टी प्लस ए, तो ए प्लस टी होल पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन ए प्लस टी होल पावर एन माइनस ए, ठीक है। एक सेकेंड, ये पावर एन नहीं है ना, ठीक है, अब करेक्ट है। अब सुनना, अब ऊपर मैं बाइनोमियल लगाता हूं, देखो नीचे तो क्या है ये ए कैंसिल हो गया, तो नीचे तो टी बचा, अब ऊपर बाइनोमियल लगाने के लिए मुझे इधर पहले वन बनाना पड़ेगा, वन प्लस समथिंग होता है और समथिंग जीरो हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया, इसमें से ए बाहर लिया, एक मिनट, ए बाहर लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, ए की पावर वन बाय एन करके बाहर आएगा, सॉरी ए की पावर एन करके बाहर आएगा, क्या बचेगा, वन प्लस टी बाय होल पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन टी। अब फर्दर देखते हैं, अब मैंने बाइनोमियल से एक्सपेंड किया इसको, तो ए की पावर एन इंटू वन प्लस एन एक्स, तो एन इंटू टी बाय प्लस, और भी टर्म्स लिख सकते हैं बट दिख रहा है क्लियरली ये वाला टर्म इससे इस वन के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, तो इतना लिख ला काफी है, तो फिर मैंने डेड डैश नहीं लगाया इसको, इतना ही लिखा और माइनस ए की पावर एन अपॉन टी। अब लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है, तो पहले तो ये वाला फैक्टर कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा, ए रेस टू पावर एन इंटू एन इंटू टी और नीचे ए इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल, तो फाइनली कितना मिला, एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन, दिस इज माई आंसर, वही हमें प्रूफ करना था, एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन। क्लियर हो बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं एक दो इलस्ट्रेशन देख लेता हूं, देखना आई टेक सम इलस्ट्रेशन। हाँ, पहले तो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन लिखो, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स वन, एक्स की पावर वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले एक बार खुद से ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करके, कीप दैट इन माइंड, एक ही जो मैंने स्टैंडर्ड लिखा था उसका यूज करना है, ठीक है। चलो तो अब मैं कर रहा हूं इसको, तो मैंने क्या लिखा, ऊपर तो x की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 और नीचे फैक्टराइज कर लिया x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। अब अगर x 1 को जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू अगर 1 जा रहा है, तो देखो ये वाला जो टर्म है दिस इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन, तो इस और ये फाइनाइट है, फाइनाइट नॉन जीरो है, मैंने बोला 1 अपॉन x प्लस 1 जो है दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, So, ये फाइनाइट है तो इसमें लिमिट लगा के इसको बाहर निकाल देते हैं, तो वन रखूंगा तो क्या आएगा, वन बाय टू, तो फाइनल में ना वन बाय टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स की पावर वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये तो अभी हमें स्टैंडर्ड पड़े, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कितना होता है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन हो दिस इज एन, तो दिस इज सिंपली कितना हो जाएगा, वन बाय टू तो बाहर है ही, और ये हो जाएगा एन इधर वन बाय थ्री है तो वन बाय थ्री, सो आंसर विल बी वन बाय सिक्स, सिंपल एप्लीकेशन हो गया इसका, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखना मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स वन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, एक्स की पावर 20 माइनस 20 अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो और मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो देखो सबसे पहली बात, अब कैसे स्टार्ट करें, तो देखो एक चीज तो ये एंड लगना चाहिए कि इधर नंबर ऑफ टर्म्स 20 है और इधर भी एक 20 है, तो इसका कुछ यूज हो रहा होगा, मतलब ये भी 20 है, 20 बार 1 लिखा है और ये 20 ऐसे लिखे हैं, ठीक है, दिस इज अ हिंट फॉर द मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग बोल सकता हूं। तो क्या किया हमने, इसमें से हर एक वन, इस 20 को मैंने 20 बार लिख लिया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, और हर एक टर्म को एक एक दे दिया, तो क्या हो गया, ये एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, एक्स की पावर 20 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्लियर है। अच्छा अब दूसरी बात, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, मतलब इसको इसके नीचे लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया, तो आंसर मिलेगा यस। तो सेपरेशन की कंडीशन क्या थी, एडिशन में हम सेपरेट कब कर सकते हैं लिमिट्स को, एटलीस्ट वन ऑफ द टू शुड बी फाइनाइट,
जीरो भी चलेगा, मल्टीप्लाइड में जीरो नहीं चलता, उधर तो नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, बट सम में मैंने क्या बोला था, द वन एटलीस्ट वन शुड बी फाइनाइट। तो और एक चीज और बोली थी कि अगर तुम्हें पता नहीं है दो मिनट के लिए कि फाइनाइट आ रहा है या नहीं, पहले करके देख लो, अगर बीच में अटकते हो कहीं, मान लो ऐसा कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, तो फिर हम दोबारा इस स्टेप पे आ जाएंगे। बट ऐसे बोला था, बट क्लब नहीं करेंगे, जैसे मान लो इधर अटके, इधर से क्लब करके चालू नहीं करेंगे, फिर हमको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस आई टोल्ड इन द लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर। चलो अब मैं लिखता हूं, अब मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो x माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस एंड सो ऑन x की पावर 20 माइनस वन अपॉन x माइनस वन, और हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू वन। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें, अब वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x की पावर n लिमिट x टेंड्स टू वन x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन, दिस विल बी n। तो अब देखो इधर n मेरा क्या है, वैसे ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ये वन ही होगा, प्लस इधर n क्या है मेरा, इससे कंपेयर करूं तो टू, इससे कंपेयर करूं तो थ्री एंड सो ऑन, इससे कंपेयर करूं तो क्या आएगा n की वैल्यू 20। तो ये क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, एंड वी नो इट्स फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू, तो ये गया 10 टाइम्स, तो फाइनल आंसर इज 210, 210। क्लियर है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बस हिंट कैसे लगी हमें, कि अगर ये 20 टर्म्स लिखे, इधर भी माइनस 20 लिखा है, ठीक है। चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बट वो जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट एक बार तुम ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है वो, दैट कैन कम इन सीक्वेंस सीरीज, ठीक है ना। वो मोर ज्यादातर तो वो उसमें पूरा जो क्वेश्चन है दैट वॉज सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, उसमें लिमिट आखिरी में लिमिट का थोड़ा सा काम है। क्वेश्चन इज, देखो क्या लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इधर लिखा है पाई, पाई मतलब प्रोडक्ट, सिग्मा मतलब सम होता है, दिस इज r गोज फ्रॉम 2 टू n, 1 माइनस 1 बाय r स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो तुम्हें मैंने ये लिमिट वाला पार्ट हटा दिया, और फिर मैं बोल रहा हूं दिस इज sn, फाइंड sn, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंस सीरीज में कि सॉल्व दिस, इतना पार्ट sn बोल दूंगा मैं इसको, और आखिरी में हम क्या करेंगे लिमिट में, बट n टेंड टू इन्फिनिटी, उसमें जो भी n का एक्सप्रेशन आएगा उसमें हम लिमिट लगा देंगे। तो देखते हैं, तो पहले सबसे पहले क्या किया, देखो सिग्मा नहीं है, पाई है, पाई मतलब प्रोडक्ट, r की जगह 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले हमने वैसे लिख लिया, इसको ओपन कर दिया सिग्मा को, तो इधर क्या जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, 2 से स्टार्ट हो रहा है सीरीज, 1 पे तो वैसे भी 0 होगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आखिरी के मैं दो टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग टू टर्म्स, 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग टू टर्म्स, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या किया हमने, अब एलसीएम लिया एक बार, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इधर क्या आएगा देखना, ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, ऐसे लिख रहा हूं मैं, चलो ठीक है, फिर दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3, फिर दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4, और मेरे को याद नहीं वैसे शायद सीक्वेंस सीरीज में ये हो सकता है मैंने लिया भी हो इलस्ट्रेशन, आई डोंट रिमेंबर, जनरली वैसे मैं लिमिट में ही लेता हूं ये वाला क्वेश्चन, हो सकता है तुम्हारे बैच में मैंने लिमिट सीक्वेंस सीरीज में ये क्वेश्चन लिया हो, इट माइट बी पॉसिबल। हाँ इधर क्या आएगा आप देखो, n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, और इधर वाला n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू n। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा, अब आगे देखते हैं, अब हम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगर मैं इधर लगाऊंगा तो क्या आएगा देखो, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 इंटू 2, अभी समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं अलग अलग, 3 माइनस 1 2 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 इंटू 3, फिर 4 माइनस 1 3 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 इंटू 4, देन 5 माइनस 1 4 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। अब इधर आते हैं n माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2, और इधर रहेगा n माइनस 1 प्लस 1 तो n अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, और लास्ट वाला जो देखो इधर n स्क्वायर माइनस 1 तो n माइनस 1
इंटू एन प्लस वन, एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाय एन इंटू एन। अब ध्यान से देखो टर्म्स कैसे कैंसिल हो रहे हैं, देखना ध्यान से, मैं माफ कर रहा हूँ तो डिफरेंट कलर, एक काम करता हूँ दूसरा पेन ले लेता हूँ, रेड से माफ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना, बहुत स्टाइल से कैंसिल हो रहा है टर्म, इफ यू विजुलाइज इट क्लियरली। और हाँ मुझे याद आया ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, अभी रिकॉल हुआ मुझे, और मुझे याद है मोहम्मद ने ये क्वेश्चन क्लास में किया था, आई रिमेंबर नाउ 100% बिकॉज उसी ने ऐसे कैंसिल करके मुझे बताया था उधर। देखो ये थ्री ये थ्री ये थ्री ये थ्री कैंसिल, देखना पैटर्न देखना तुम, फिर ये फाइव ये दोनों फाइव, और इसके बाद वाला इसके ऊपर जो फाइव आएगा वो कैंसिल, क्लियर है? देखना ये फोर ये फोर और ये फोर कैंसिल, इसी प्रकार ये सिक्स ऐसे जाएगा, सीरीज चलेगी, ठीक है। अच्छा अब देखना, अगर मैंने ऐसा पैटर्न बनाया, देखो इस ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट का पहला टर्म लास्ट सेकंड वाला टर्म और नीचे इस कैंसिल कर रहा हूँ, तो बेसिकली इधर क्या सीरीज बनेगी, देखना ध्यान से देखना एक बार, एक मिनट रुको, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, नीचे के मेरे दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो देखो ये वाला दो इधर जो डेड टच करके आएगा, ये देखना मैं ऐसे ट्रेपेज़ियम टाइप का बना, ये देखो ऐसे होगा, क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो एन माइनस वन है इसके नीचे कैंसिल हो, तो ये वाला इसके नीचे कैंसिल होगा ऐसे, क्लियर है? अब देखो फाइनली, अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, ये तो पैटर्न हो गया इस टाइप का, ऐसे मेमोर ऐसे लिख लो, साइड में तुम लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स, ठीक है, इट इज लाइक दिस। अब एक और टर्म कैंसिल कर रहा हूँ जो बचे हुए हैं, दो टर्म और बचे हमारे, एक तो ये वाला टू, चलो दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये वाला टू और एक ये टू, इससे कैंसिल हुआ, मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, एंड लास्टली ये वाला एन बच रहा है और एक ये एन बच रहा है, तो इसको मैं ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ। अब फाइनली मेरा क्या बचा वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, Sn, Sn मेरा कितना आया 1/2, इधर से 1/2 बचा और मल्टीप्लाइड में लिखा है n प्लस 1/n, बस यही तो मेन क्वेश्चन था। अब तो लिमिट निकालना तो बहुत ही आसान है, n टेंड टू इन्फिनिटी पे, अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो डायरेक्टली क्या लिखूं, हाफ इंटू एन का कोफिशियंट क्या है 1, एन के कोफिशियंट का रेशियो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो फाइनल आंसर इज हाफ। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में कराया था, ठीक है, तो एक बार हमारा रिवीजन हो गया उस चीज का। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, अब हम नया टॉपिक पे आते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे बट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। हाँ तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो उसमें पहला चीज है हमारा, देखो ना लिख लो वैसे इधर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है ना। अच्छा तो पहला हमारा इसमें है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन x अपॉन x, दिस विल बी वन, ठीक है, दिस विल बी वन। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, वैसे प्रूफ की जरूरत है नहीं, आगे जाके हम साइन x के एक्सपेंशन से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू नो द एक्सपेंशन ऑफ साइन x यू कैन ट्राई विद दैट, ठीक है। हायर एक्सपोनेंट्स को नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि इसके एक्सपेंशन में क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इफ यू सिंस x इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो तो फिर इफेक्टिव डिग्री से मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब एक्स की पावर फाइव को कैंसिल कर दूंगा, तो यू लेफ्ट आउट विद x। और वैसे एक फिजिक्स में भी पढ़ते हैं जनरली, देखो इधर एक चीज बता देता हूँ, चलो बता ही रहा हूँ, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्यों? अब देखो तो मैं अब वो चीज भी चलो देख ही लो, फिर मैं लिखा साइन थीटा जो होता है इसका एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या किया, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर थीटा जीरो को जा रहा है, थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो दिस यू कैन सी इट इज अ पॉलीनोमियल इन थीटा, तो इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है 1, तो ये वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यू विल सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा और थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा चलो इसको रब कर रहा हूँ, तो मैं लिखना यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, वैसे ये फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को भी इक्वेटिंग थीटा, और डायपोल मोमेंट वगैरह के टाइम भी काम आता है ये चीज। चलो अब इस पे आते हैं, मैथमेटिक्स पे आते हैं, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज वन, ठीक है। सिमिलरली एक और लिख रहा हूँ, चलो मैं इसी की एक साथ लिख देता हूँ, फिर एक साथ हम क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो चलो पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसके। देखो तो मैं इस फॉर्म में याद रख, इसमें तो याद रखना ही है, तो मेन जैसे मैं समथिंग करके बोलता हूँ ना उस फॉर्म में याद रखना है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट समथिंग जीरो, इसको ऐसे लिखूँ, समथिंग इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग
इज इक्वल टू वन, इस फॉर्म में यू शुड मेमोराइज इट इंस्टेड ऑफ एक्स। ये एक्स स्पेशल केस हो जाएगा व्हेन समथिंग इज एक्स। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, लेट्स से ये लिखा है। तो देखो एक तरीका तो क्या है कि तुम इसको पहले सब्स्टिट्यूशन से जीरो की तरफ लेके आओ, बट डायरेक्टली मुझे दिख रहा है यहां तो कि अगर एक्स अगर टू को जा रहा है तो साइन का आर्ग्यूमेंट है दैट आई एम कॉलिंग इट समथिंग, वो जीरो को जा रहा है, वही समथिंग डिनोमिनेटर में लिखा है, सो आई विल डायरेक्टली से दिस इज वन। एक और तरीका क्या था, जैसे अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन से तुमने बोला कि नहीं भाई हमें तो आदत है सब्स्टिट्यूशन करने की, तो ठीक है अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी जब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमेशा जो वेरिएबल होगा दैट विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, सो वी विल ट्राई। बट इधर तो क्या बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ना, जब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना देन आई विल डेफिनेटली कोशिश करूंगा मैं कि वो जीरो की तरफ लेके आऊं, बट लाइक लेट्स से इसको भी मुझे वैसे ही करना होता तो मैं क्या करता, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो मेरा नया वेरिएबल टी होता, एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस टू, तो जो मेरा नया वेरिएबल होता टी वो कहाँ जाता, टू माइनस टू जीरो को, जो जाता साइन ऑफ इधर एक्स माइनस टू कितना हो जाता साइन टी और नीचे कितना टी। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया इसी में, टी टेंड टू जीरो साइन टी बाई टी, टी वेरिएबल का नाम डिफरेंट है, इधर एक्स था इधर टी है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्लियर है। चलो तो पहले वीडियो पॉज कर लो, इसको कॉपी कर लो, अब देखना और लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल इसके ऊपर। जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड थ्री, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन होगा क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, हाँ इंडिटरमिनेंट फॉर्म है पहला, क्यों, क्योंकि साइन जीरो अपॉन जीरो तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म है। अच्छा क्या मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख दूं वन, नहीं, क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बोला था जिस फॉर्म में तुम्हें याद रखना है उसमें समथिंग स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, और यही समथिंग जो था यही वाला समथिंग साइन का आर्ग्यूमेंट था और डिनोमिनेटर में भी यही था, ठीक है। अब सुनना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री को जा रहा है तो मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जीरो को जा रहा है, वन एंड द सेम थिंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दिस, ठीक है। ये समथिंग इधर लिखा है क्या, हाँ वो तो लिखा है, क्या इधर लिखा है, आ नहीं अभी तो नहीं लिखा, तो लिखा नहीं तो हम बनाएंगे जनरेट करेंगे उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसको जनरेट करने के लिए क्या किया हमें, ऊपर नीचे एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमें यही समथिंग बनाना है, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस थ्री से और ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया इधर लेट्स से एक्स प्लस थ्री से। अब मेरा ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग वेयर माय समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, सो दिस इज वन, कैंसिल किया इसके अंदर जीरो नहीं वन, ठीक है ना, तो वन इंटू एक्स प्लस थ्री बचा, तो क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री पे दिस इज माइनस सिक्स, क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्या हो रहा है। तो तुम्हें उस फॉर्म में याद रखना है साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग और समथिंग शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसको कॉपी कर लो, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले तुम एक बार ट्राई करना उसके बाद सॉल्यूशन देखना। साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो पहले तो देखते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है, तो रख के देखते हैं एक्स को एक्स इज इक्वल टू टू, तो साइन टू पाई जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म को अभी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब मैंने बोला तुम्हें क्या, देखना सुनना ध्यान से सुनना अभी इंपॉर्टेंट चीज, देखो इस केस में क्या है कि तुम बोलो कि ये समथिंग है, ठीक है, अगर मैंने ऊपर नीचे पाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मिनट के लिए सुनना, पहले मैंने बोला क्या ये वाला पार्ट वन है क्या, वीडियो पॉज करके सोचो, तो आंसर मिलेगा नहीं है, क्यों नहीं है, उसने क्या बोला था, उसने ये नहीं बोला था लिमिट लिखते वक्त कि ये जीरो होना चाहिए, नहीं उसका आर्ग्यूमेंट जीरो को जाना चाहिए, जो भी इधर समथिंग लिखा है ना, अगर सम जो इधर लिमिट लिखा है जैसे x tends to 2 जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 2 पे जो साइन का आर्ग्यूमेंट है that must tend towards 0, not sign of that argument, आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए ना कि साइन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। तो देखो इधर साइन पाई एक्स 0 को जा रहा है, बट क्या पाई एक्स 0 को जा रहा है, नहीं, पाई एक्स तो कहां जाएगा, अगर x 2 को जाएगा तो पाई एक्स कहां जाएगा, 2 पाई को जाएगा, ऑफकोर्स समझ में आया, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं,
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या बोला मैंने दोबारा बोलता हूँ, देखो एक बार ध्यान से सुनो, जल्दी 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 बच्चे बहुत गलती करते हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर x2 को जा रहा है तो साइन ऑफ समथिंग जीरो जा रहा है, बट समथिंग जीरो नहीं जा रहा है, टोटल साइन के साथ जीरो हो रहा है, जैसे साइन टू पाई जीरो, बट पाई एक्स जीरो है क्या, नहीं वो तो टू पाई हो रहा है ना, बट मेरे तो उधर ये वाला चीज जीरो जाना चाहिए थी, दिस शुड बी जीरो, ये पूरा जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो होगा ये बाद में, बट आर्ग्यूमेंट जीरो होना चाहिए, कंडीशन इज दिस, क्लियर है, तो नहीं है, कहां जा रहा है, अगर मैंने बोला ठीक है मुझे जीरो की तरफ लेके आने का है उसे, ठीक है, तो लेकिन अभी कहां जा रहा है, पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा अपने आपसे, अभी कहां जा रहा है, x इज इक्वल टू 2 रखने पे 2 पाई पे जा रहा है, तो ठीक है 2 पाई घटा देते हैं हम, तो फिर जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैं, अभी x इज इक्वल टू 2 रखने पे ये साइन, ये जो चीज है ये कहां जा रही है, 2 पाई को, अब मुझे 2 पाई को जीरो के पास लाना है, तो क्या करूंगा, 2 पाई से सबट्रैक्ट कर देता हूं, अब वो सबट्रैक्ट करने के लिए मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, ऐसे तो लिख नहीं सकता कि भाई डायरेक्टली ब्लाइंडली लिख दूं साइन इसमें से 2 पाई घटा दूं, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, विद सम लॉजिक, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो सब चीज यूज करके, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने लिखा साइन ऑफ पाई एक्स, चलो ऐसे लिख लेता टू पाई माइनस पाई एक्स, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब मैंने तुमसे पूछा एक मिनट के लिए, सुनना ध्यान से सुनना, क्या ये करेक्ट लिखा है न्यूमरेटर एट प्रेजेंट, तो आंसर मिलेगा नो, द रीजन इज साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आई हैव टू पुट एक्स्ट्रा माइनस हियर, नाउ इट इज करेक्ट, परफेक्ट है, तो समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करता हूं, माइनस बाहर ना लेके अंदर लिख लेता हूं, बाहर भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा अंदर लिखने से, तो मैं इस माइनस को अंदर लिख रहा हूं, सो पाई एक्स माइनस टू पाई, पाई एक्स माइनस टू पाई, क्लियर है। नाउ अभी जो ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं, हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बस थोड़ा सा इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, बट ऐसा लिखने पर मेरा लिमिट वाला काम हो गया, कैसा काम हो गया, कि अब जो मेरा लिमिट है x टेंड्स टू 2 पे, अब जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को जा रहा है, वो जाएगा भी, हमने वही 2 पाई इसलिए तो सेपरेट किया था जिससे ये जीरो को चला जाए, नाउ यू विल सी दिस इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, 2 पाई माइनस 2 पाई, अब काम चल जाएगा हमारा। अब मैंने क्या बोला, ये समथिंग नीचे मिल जाए मुझे तो बल्ले बल्ले, तो मैंने क्या किया, ऑफकोर्स दिस विल हेल्प फॉर दैट, इसको क्या लिखा पहले मैंने, तुम अगले स्टेप में लिखना, इसको x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब देखो पहले थोड़ा छोटा कर लेते एक्सप्रेशन, ये जो है वन अपॉन दिस, दिस इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, तो इसमें तो मैं ये, और ये नॉन जीरो है, फाइनाइट है, तो x इज इक्वल टू टू इसमें रख के इसको बाहर फेंकता हूँ, क्योंकि जितनी वेरिएबिलिटी कम होगी उतना अच्छा होगा मेरे लिए फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो मैंने x को 2 इसमें रखा तो क्या आया 1 बाय 4, तो इसको हटा के ये हैव टू राइट इन डिफरेंट स्टेप, मैं बाहर लिख रहा हूं इसको 1 बाय 4। अब समझ में, अब फील आ रही होगी तुम लोगों को जो मैंने बोला था कि लिमिट्स को हम प्रोडक्ट में ब्रेकअप करते हैं, नॉन जीरो फाइनाइट, तो उसका यूज ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है वो छोटे होते जाएंगे, क्योंकि तो जो जो वेरिएबिलिटी पार्ट होगी और जो इंडिटरमिनेंसी क्रिएट नहीं कर रही प्रोडक्ट फॉर्म में उनको बाहर निकालते जाऊंगा मैं, क्लियर है। अच्छा ऊपर क्या है, पाई एक्स माइनस टू पाई, तो क्या वही लिखाया गया कि नहीं, पाई की कमी है, तो मैंने क्या किया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो साइन पाई एक्स माइनस टू पाई अपॉन पाई एक्स माइनस टू पाई, और जो पाई एक्स माइनस टू पाई है दैट इज आर्ग्यूमेंट, वो कहां जा रहा है, जीरो को जा रहा है, तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, एंड दैट समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, हेंस दिस पार्ट इज वन, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, पाई बाय फोर, फाइनल आंसर इज पाई बाय फोर, तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन फॉर सच कैटेगरी। ठीक है ना, क्योंकि जनरली बच्चे लोग जल्दी जल्दी में इसको बोलते हैं ये जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ तो जा रहा है बट आर्ग्यूमेंट जीरो को नहीं जा रहा ना, पहले हम उस आर्ग्यूमेंट को जीरो की तरफ लेके आएंगे, कैसे लेके आए, एक बार रिकॉल, ये टू पाई को जा रहा था, टू पाई को मुझे जीरो की तरफ लेके जाना है, तो क्या करूं, उसमें से टू पाई घटा देता हूं, फिर मैंने टू पाई घटा दिया, फिर देख लिया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वही लिखा है कि नहीं, कि प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस इतना देखना है, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो नहीं तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक दो फॉर्मूला और लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हालांकि है यही घुमा फिरा के, बट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही उनको ट्रीट करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू tan x, तो लिख लो सेकंड वन इन ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, दिस इज अगेन वन। ठीक है, अच्छा तो इसको तो हम जैसे अगर मान लो कोई बोले प्रूफ करो, तो प्रूफ तो हम प्रीवियस वाले से कर सकते हैं, कैसे, मैं tan x को लिख लेता हूं sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन
कॉस एक्स और ये एक्स लिखा है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब मैंने बोला वन अपॉन कॉस एक्स है, ये तो नॉन जीरो फाइनाइट है तो इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, एक्स जीरो रखे तो जीरो रखो तो कॉस जीरो इज वन, तो ये फाइनली वन होकर बाहर आ गया और फिर साइन एक्स बाय एक्स आया, वो तो हमें पता है वन होता है, तो हेंस प्रूफ क्लियर है। टेन एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखा, कॉस एक्स में जीरो डाल दिया बिकॉज वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, उसको बाहर हटा दिया, क्या बचा साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज नथिंग बट वन फॉर एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। ठीक है, एक और फॉर्मूला इधर ही लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक साथ क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला है देखना ध्यान से, ये भी मैं वैसे ड्राइव कर सकता हूँ इसी से, वो करूंगा अभी अभी देखना, बट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी याद रखेंगे। देखो तोड़ तो वही है, साइन एक्स बाय एक्स मेन है, बाकी जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब उनसे ड्राइव हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि इसको याद नहीं रखेंगे, इसको याद नहीं रखेंगे जो लिखवा रहा हूँ, नहीं इनको भी याद रखेंगे, क्योंकि हम फिर हमारे स्टेप्स बच जाएंगे ना, हम साइन एक्स वाले की तरफ मूव नहीं करेंगे ना, नहीं तो हमें पहले उसको पूरा साइन एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो इधर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो अच्छा एक काम करो वीडियो पॉज करो, तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा इधर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। तो क्या करें, ऑफकोर्स हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो मैंने क्या लगाया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर। अच्छा अब मैंने इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, और इसको भी अलग अलग लिख लेता हूँ। तो अब देखना लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, साइन ऑफ समथिंग, समथिंग जीरो को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्या वो समथिंग नीचे लिखा है, नहीं अभी तो नहीं लिखा, तो बना लेते हैं इसको, तो समथिंग एक्स बाई टू था तो इधर भी एक्स बाई टू कर दिया, तो इधर टू मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली साइन एक्स बाई टू के लिए भी इधर एक्स बाई टू होना चाहिए, तो एक्स बाई टू और टू आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये वाला पार्ट वन हो गया, ये वाला पार्ट वन हो गया, तो टू बाय फोर विच इज हाफ, तो इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो हाफ, क्लियर है। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू हाफ, और अगेन इस फॉर्म में भी याद रखेंगे और वो समथिंग वाले में, तो ऐसे भी लिख लो समथिंग के फॉर्म में लिख लो, क्या लिखो लिमिट, चलो लिमिट ऐसे लिख लो, समथिंग इज स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो और वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग। एक चीज और बताना है, देखो ये समथिंग और ये समथिंग डिफरेंट हो सकता है, मैं भी बताता हूं इस चीज पे, अपॉन समथिंग का स्क्वायर, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। रीजन इज देखो जैसे मैंने x अगर जैसे x इज इक्वल x टेंड्स टू 2 लिखा, ठीक है ना, इधर तो मेरा x माइनस 2 भी आ सकता है ना, कहने का मतलब इधर तो वेरिएबल आएगा, जैसे ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे उधर भी ऐसे लिख लो, तुम x अगर 0 को जा रहा है ऐसे लिख लो, x अगर 0 पर आ रहा है तो ये समथिंग जो है ना 0 को जाना चाहिए, बस इतना है, जो वेरिएबल इधर जो वेरिएबल जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये समथिंग 0 होना चाहिए और ये समथिंग नीचे होना चाहिए, तो इस फॉर्म में याद रखो 1 माइनस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर इज हाफ 1 बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज हाफ, क्लियर है। अच्छा तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। अब एक और नोट मैं एक साथ लिखवा रहा हूं, एक चीज और, ठीक है देखना ध्यान से। मैंने लिखा, मैंने बोला देखो जैसे चलो लिखते हैं इधर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मैंने बोला लेट से ये लिखा है तुम्हारा साइन इनवर्स x अपॉन x, वीडियो पॉज करके सोचो क्या होगा, ये साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होगा। देखो अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, साइन x अपॉन x देखा था, अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये कितना होता था वन। अब चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे इसको ऐसे लिख लूं x अपॉन साइन x, वन एंड द सेम थिंग, बहुत आर इक्विवेलेंट। अब इसको सोचो क्या है ये, सोचो वीडियो पॉज करके मैं इसको बताता हूं, सुनना इसको, इसका आंसर आएगा वन, द आंसर इज वन। कैसे, एक तरीका तो है कि मैथमेटिकल मैंने ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स एक्स को लेट से थीटा मान लिया, तो एक्स कितना आ गया साइन थीटा, तो ये मेरा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स तो थीटा, तो थीटा अपॉन एक्स क्या है साइन थीटा, और अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो साइन इनवर्स जीरो विच इज जीरो, तो थीटा कहाँ जाएगा जीरो को, थीटा इज स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, सो दिस इज वन, दिस इज द वन वे वी कैन डू। अदर वे एक और तरीका है, ऐसे सोच सकते हैं देखना ध्यान से ओरली, मैंने अभी क्या लिखा था साइन थीटा अपॉन थीटा, इधर क्या लिखा है डिनोमिनेटर में एंगल, देखो ऐसे लिख लेंगे विच फॉर्म में लिख रहे हैं, मैंने बोला एंगल और ऊपर लिखा है साइन ऑफ एंगल, ठीक है। अच्छा और ये क्या लिखा है, ये लिखा है एंगल और ये बेसिकली क्या लिखा है साइन ऑफ दैट एंगल ना, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो दिस इज साइन ऑफ एंगल,
अगेन अगर ये अभी दिक्कत हो रही है तो फॉरगेट अबाउट इट, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चों वाली चीज है जब हम इनवर्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बट अभी के लिए तुम ये वाला ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब जैसे ये तो हो गया एक, ये हो गया हमारा फोर्थ वन हो गया था, ठीक है। अच्छा अब देखना, एक और लिख लेता हूँ मैं इसी के आधार पे। मैंने लिखा tan इनवर्स x अपॉन x, सेम कैटेगरी पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज अगेन वन। तो वही चीज है, tan इनवर्स x को थीटा बोलो तो ये थीटा हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये तो हम पढ़े थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो पे कितना होता है, दिस इज वन। क्लियर है। अच्छा अब देखना, मैं एक नोट लिखा रहा हूँ इसके आधार पे, सुनना ध्यान से, पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है, पहले आराम से कॉपी करो उसके बाद लिखते हैं। सुनना, अब मैंने बोला, ध्यान से देखना नोट करके, मैंने लिखा a कॉमा b इज इक्वल टू एक्स कॉमा साइन एक्स कॉमा टेन एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स कॉमा, और इधर लिख लिया टेन एक्स, टेन हो गया, टेन हो गया साइन इनवर्स रह चुका, छोड़ गया साइन इनवर्स एक्स। मैंने बोला ए और बी इनमें से कुछ भी, कोई भी, कोई भी उठा, कोई भी ले लो। मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए बाय बी विल डेफिनेटली बी वन, विल डेफिनेटली बी वन। आप कोई बोलेगा नहीं सर, अभी तो आपने एक्स अपॉन साइन एक्स लिया, एक्स अपॉन टेन एक्स लिया, एक्स अपॉन उसमें तो एक्स एक्स लिया था, मान लो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ले लो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। द रीजन इज, जैसे कि मैंने इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, मैंने कहा टेन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, देखना ध्यान से, टेन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो क्या किया, टेन एक्स के साथ क्या चाहिए मुझे डिनोमिनेटर, एक्स चाहिए, तो ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या बना देगा, वन एक्स टेंड्स टू जीरो पे, और सिमिलरली ये कितना बना देगा, वन, तो वन इंटू वन, वन। तो कहने कुल मिला के कहने का मतलब, इन पांचों में से कोई भी एक, ए को कुछ भी बोल दो, बी को कुछ भी बोल दो, ए बाय बी और बी बाय, और बी बाय वन इन द सेम थिंग विल डेफिनेटली बी वन फॉर एक्स टेंडिंग टू वर्ड्स जीरो। तो हमारे सारे फॉर्मूले एक साथ आ गए ना, एक्सेप्ट दैट कॉस वाला, ठीक है ना, कॉस वाला नहीं आया, कॉस वाले के लिए अलग ही याद रखो, कॉस वाला क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज हाफ फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। बाकी हमने प्रूफ तो इसको साइन से किया, वन माइनस कॉस एक्स को लेकर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने इधर साइन इनवर्स लिखी है, इधर टेन इनवर्स लिखी है, तो भी चलेगा, मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे मत लिख लेना जल्दी जल्दी में, tan इनवर्स x इज sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x, नहीं ऐसा नहीं होता कोई फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स के करस्पॉन्डिंग उधर हम जो देखा था इनवर्स में फंक्शन में थोड़ा पार्ट आया था, जब tan इनवर्स x + cot इनवर्स x इज pi / 2, tan इनवर्स x इज नॉट रेशियो ऑफ sin इनवर्स एंड cos इनवर्स, बिल्कुल गलत। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया, तो sin इनवर्स x अपॉन x 1, tan इनवर्स x अपॉन x 1, तो 1 आ गया। तो कुल मिला के फाइनली समरी क्या हुई हमारी, ए को इनमें से कुछ भी मानो, बी को इनमें से कुछ भी मानो, ए बाय बी का रेशियो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या होगा, वन होगा। आई होप मैंने बहुत एम्फसाइज कर दिया, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम फुल ऑन न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, जो भी पढ़ा अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये होंगे हमारे पहले दो क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दैट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज हाफ। तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो बहुत छोटे हैं क्वेश्चन है एक्चुअली, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे अपना, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ये क्या लिखा, वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग, अब क्या होना चाहिए उस फॉर्मूले के हिसाब से, वही समथिंग का स्क्वायर नीचे लिखा होना चाहिए, तो अभी तो नहीं लिखा, क्या किसकी कमी, इसका स्क्वायर कितना होता है, नाइन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नीचे नाइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब मेरा लिखा है वन माइनस कॉस, ऐसे लिख लो, वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो ये जो मेरा लिमिट है दिस इज व्हाट, हाफ, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, हाफ इंटू नाइन, नाइन बाई टू, क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इधर आते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर, चलो देखते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन सेकंड वाला है, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है, हियर इट इज नॉट स्क्वायर, हाँ। अब ट्राई करो, वैसे भी ट्राई करके देखो, ऐसा नहीं कि गलत है, वैसे भी ट्राई करो, देखते हैं उसमें क्या आता है। चलो अब देखना, मैंने लिखा कॉस ऑफ समथिंग, वो समथिंग लिखा है क्या, नहीं वो तो नहीं लिखा, तो नहीं लिखा तो जनरेट करेंगे, तो ऊपर जो समथिंग लिखा है
उसको मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, दूसरा पेन ले लेते हैं, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, तो इसका स्क्वायर जनरेट करना है नीचे, तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर तो है, किसकी कमी है, एक्स प्लस थ्री के स्क्वायर की कमी है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। अब देखो वन माइनस समथिंग और समथिंग का स्क्वायर विच इज हाफ, तो ये पूरा कैंसिल होके हाफ आ गया, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री नाइन, नाइन का स्क्वायर इज 81, तो 81 डिवाइड बाई टू इज माई आंसर। समझ में आया? चलो अब मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूं। सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लिखा, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी मैंने साइन पाई एक्स वाला लिया था उसकी उसी टाइप का है, टेन पाई एक्स अपॉन साइन ऑफ टू पाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, करो इसको, इसको तुम लोग करो, जैसे मैंने उधर बताया ना, याद क्या रखना है, जो भी हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े उसमें जो समथिंग है, आर्ग्यूमेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन का चाहे टेन का, वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, कीपिंग दैट इन माइंड, एक बार खुद से करो। मैं इसका डिस्कशन लेता हूँ, तो अगर एक्स फोर को जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, फोर पाई को जा रहा है, जीरो को तो नहीं जा रहा, अब फोर पाई को जा रहा है, मुझे जीरो की तरफ लेके आना है, तो मैं क्या करूँ, फोर पाई सबट्रैक्ट कर देता हूँ, या तो इसको फोर माइनस में सबट्रैक्ट कर देता हूँ या फोर पाई इसमें से सबट्रैक्ट कर देता हूँ, बट हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब, जैसे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इधर ही लिख लेता हूँ मैं, टेन ऑफ फोर पाई माइनस पाई एक्स। अब मैंने एक मिनट के लिए पूछा ट्रिग्नोमेट्रिकली करेक्ट है या नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आएगा कि ऐसा करेक्ट है, तो साइन ऑफ फोर पाई माइनस सीधा, मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, टेन इज नेगेटिव तो एक नेगेटिव आएगा, क्लियर है? अच्छा अब हम इस पे आते हैं नीचे, साइन ऑफ ये कहाँ जा रहा है, एट पाई को जा रहा है, तो इसमें इसको एट पाई में से घटा देते हैं, तो इसलिए इसको लिखिए साइन ऑफ एट पाई माइनस टू पाई एक्स। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली देखा करेक्ट है या नहीं, तो साइन ऑफ एट पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव गलत लिखा है, मतलब नेगेटिव लिखा है, एक नेगेटिव ऐड कर दिया, अब सही लिखा है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है ट्रिग्नोमेट्रिकली, बिल्कुल करेक्ट है। और अब मेरी लिमिट्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई, क्या थी लिमिट्स की रिक्वायरमेंट, जो टेन और साइन का आर्ग्यूमेंट था, दैट शुड टेंड ओवर जीरो, तो देखो आ रहा है जीरो। अच्छा अभी एक, अभी ऐसा मत कर देना टेन अपॉन साइन, अभी आपने बताया था सर टेन का रेशो लो चाहे साइन, टेन अपॉन साइन लो, उनको पांचों में से कोई भी दो लो तो वन आता है, बट भाई उसमें आर्ग्यूमेंट भी तो सेम होना चाहिए ना, इधर टेन का और इधर साइन का आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है ना, अगर सेम होता प्लस वो जीरो को जा रहा होता तब मैं बोलता कि चाहे टेन अपॉन साइन हो चाहे साइन अपॉन टेन हो, उन पांचों में से कोई भी दो का रेशो वन आएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, इधर आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो पहले तो मैंने इसको सेपरेटली कर लिया, मतलब टेन एक्स के नीचे क्या चाहिए मुझे एक्स, तो x क्या है मेरे इधर 4 पाई माइनस x, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 पाई माइनस पाई x, ऊपर नीचे 4 पाई माइनस पाई x। अच्छा अब देखो लकीली क्या हो गया, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो इस ये वाला आर्ग्यूमेंट ऊपर आ जाएगा, तो मैंने क्या किया इसको 2 से किया और नीचे 2 से किया, ठीक है। अच्छा इसको ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या कर रहा हूं, अब हमारा देखना ध्यान से, इतना पार्ट ये बन गया साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, वेयर समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, सो दिस पार्ट इज वन, सिमिलरली टेन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, ये टू को छोड़ के समथिंग, दिस पार्ट दिस इज ऑल्सो वन, तो वन इंटू वन डिवाइड बाई टू माई आंसर इज हाफ, तो समझ में आया, अब क्लियर हो गया होगा काफी हद तक, ठीक है ना, और दिमाग में बिठा लेना दोबारा, जो साइन टेन वगैरह के आर्ग्यूमेंट है दैट शुड टेंड टुवर्ड जीरो, नहीं होते हैं तो हम उसको लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हाँ ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लो इसको, देखना मैंने लिखा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स थ्री, वन प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ सेवन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री, तो पॉज द वीडियो एंड खुद से करो, मैं इसको बताता हूँ, अब सुनना
पहले देख लेते फॉर्म कौन सा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स फर्स्ट वी शुड सी विद व्हिच फॉर्म इट इज। तो 1 माइनस 1 0 और नीचे क्या है, ये भी 0 को जा रहा है, 16 का रूट 4 माइनस 4 ये भी 0 को जा रहा है, तो 0 बाय 0 का फॉर्म है। तो मतलब हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म में, अब हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करें, मेन बात तो कहने का मतलब, अब देखो जैसे अभी हमारा एक, अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, उसमें जो समथिंग था वो 0 को जाना चाहिए। अब उसी टाइप की फील आ रही है, 1 प्लस लिखा है माइनस हो जाएगा अगर होना होगा तो। मतलब कहने का मतलब अगर मैं इधर 0 को लेके आऊंगा इसका आर्गुमेंट, तो हो सकता है इधर माइनस आ जाए। तो 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर वो हाफ होता है। तो अब मैंने क्या किया, इस समथिंग को पहले मेरा टारगेट है 0 के पास लाना, अभी कहाँ जा रहा है 3 पाई को, तो हम 3 पाई में से घटा देते हैं इसको। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ, अभी देखना अभी ट्रिग्नोमेट्रिकली करेक्ट लिखेंगे हम, प्लस माइनस ऐड करेंगे, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली करेक्ट है या नहीं। तो 3 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, कॉस ऑफ 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो इधर जाएगा माइनस। अब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग, अब इसी का स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बोला क्या किया, देखो ये इतना लिखा, और चलो डिनोमीटर पे भी आते हैं 2 मिनट में, 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, 2 मिनट में हम डिनोमिनेटर पे आते हैं। मैंने बोला 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो मैं ऊपर नीचे इसी समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके स्क्वायर से बल्कि, तो 3 पाई माइनस पाई एक्स इसका होल स्क्वायर, और इधर लिख दिया मैंने 3 पाई माइनस पाई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, देख लो एक बार, हाँ करेक्ट है। अब मैंने बोला ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन और दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट विच इज हाफ, हेंस वी कैन टेक इट आउटसाइड, मतलब ये हटा देते हैं हम। तो देखा तुम अगले स्टेप में लिखना इसको, मैं यहां से हटा रहा हूँ 1/2 लिख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ वेरिएबिलिटी कितनी सी बची, बहुत कम हो गई। अब क्या करें, देखो इधर भी हो जाएगी हमारी, अभी x टेंड्स टू 3 पे अभी इंडिटरमिनेंसी रूट दूर नहीं हुई, इस फैक्टर के कारण आ रही है और उसमें ये न्यूमरेटर में इसके कारण। तो पहले तो मैंने इसमें से पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, तो देखो पाई कॉमन लूंगा तो बाहर बन के क्या आएगा पाई स्क्वायर, तो ये हो गया पाई स्क्वायर। इधर लिखा है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या लिखा है एक मिनट, ठीक है उधर मेरा स्क्वायर था ना, चलो देखते हैं एक मिनट अगर गलती आता है तो। अच्छा अब ये वाला फैक्टर पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं। तो देखो इस फैक्टर पे वर्क करने के लिए एक काम तो हम रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन डू विद रैशनलाइजेशन, या फिर इसको बाइनोमियल से भी कर सकते, दैट इज योर चॉइस, ठीक है ना, चॉइस इज योर्स, तुम्हें कैसे करना है। तो मैं लेट से इसको बाइनोमियल से रैशनलाइजेशन से कर लेता हूं। तो देखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसका दिस माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो x टेंड्स टू 2 पे, सॉरी x टेंड्स टू 3 पे दिस इज फाइनाइट, 8 हो रहा है तो इसको कैंसिल करके 8 मैं बाहर लिख रहा हूं। देखना अब तुम समझ में आएगा, फील आएगी कि भाई जो मैं बता रहा था ना लिमिट्स को कैसे ब्रेक करना है प्रोडक्ट में, अब तुम्हें फील आती आ रही है हाँ जो वेरिएबिलिटी है उसको रिड्यूस होती जा रही है, वो वेरिएबिलिटी जो है ना वो कौन अगर नॉन जीरो है तो हम उसको बाहर लिखते जा रहे हैं, तो देखो हमारा रिड्यूस होता जा रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो ये कितना लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ठीक है इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, उसको लिख लिया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हाथ हो गया, और ये हो गया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, नाउ सी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल, अब इंडिटरमिनेंसी हट गई, उसी के कारण तो आ रही थी। तो फाइनली ये बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और बाहर है मेरा 4 पाई स्क्वायर। तो बस x टेंड्स टू 3 पे लगा दो, तो 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36, तो 4 पाई स्क्वायर बाय 36, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 9। एक बार देख लेते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं, वेरीफाई विल वेरीफाई, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई स्क्वायर बाय 9, करेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम लोगों, चलो तो वीडियो पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन इनवर्स 3x अपॉन टेन इनवर्स 2x, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है हालांकि। तो देखो क्या करें, आप देखो अभी डायरेक्टली तो मैं नहीं लिख सकता साइन इनवर्स
थ्री एक्स अपॉन टेन इनवर्स टू एक्स, जैसे वन तो नहीं लिख सकता हूँ कि वो जो भी हमने लिखा था अभी, जैसे मैंने लिखा था कि साइन टेन, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और एक्स, जो पांच चीज में से कोई भी दो चीज का रेशो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे वन होता है, प्रोवाइडेड क्या था वो जो आर्ग्यूमेंट था साइन और टेन का वो सेम होना चाहिए ना, बट इधर तो थ्री एक्स और टू एक्स है, तो वैसे डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता, बट हाँ बेसिक उससे पहले वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही सकता हूँ ना, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग, तो मैंने बोला समथिंग इधर थ्री एक्स है, वो समथिंग जीरो को जा रहा है, तो 3x से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, फिर इधर 2x है नीचे 2x से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये चीज 1 हो गई, ये चीज और ये चीज मेरी 1 हो गई, तो 3x upon 2x which is 3 by 2, क्लियर हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने लिखा हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक काम करता हूँ देखना, लिमिट x is tending towards 0, sin 3x minus sin x upon tan inverse 5x, ठीक है। अच्छा तो देखो डिनोमिनेटर है वो तो खैर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब वो तो tan inverse 5x upon 5x क्रिएट कर लेंगे हम और वो स्टैंडर्ड लिमिट लगा देंगे, बट न्यूमरेटर के लिए क्या करें हम, तो एक तरीका तो ये है, देखो मेथड वन मैंने क्या बोला, एक तरीका क्या है कि हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3x अपॉन टेन इनवर्स 5x, इसको इस टाइप का तो पहले अभी हम जस्ट पहले डील करें, माइनस साइन x अपॉन टेन इनवर्स 5x। अब कोई बोलेगा सर सेपरेट करते वक्त तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि एटलीस्ट वन शुड बी फाइनाइट, तो अफकोर्स देखो क्या है कि हम सेपरेट तो करेंगे हर बार ही, बट हम अगर अटकते हैं तो फिर हम हटा के फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, बट हमने देख लिया कि हाँ भाई ये तो आपको हमें खुद एक्सपीरियंस हो गया कि ये तो नॉन जीरो फाइनाइट आएगा, तो हम सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब अगेन क्या किया, साइन थ्री एक्स के नीचे थ्री एक्स बनाया और ये थ्री एक्स ऊपर किया, फिर टेन इनवर्स फाइव एक्स के नीचे फाइव एक्स बनाया और इधर 5x किया, तो ये चीज मेरी कितनी हो गई 1, ये चीज मेरी 1 हो गई, तो ये 3 बाय 5 बना, माइनस फिर इधर x लिखा इधर 5x लिखा, तो ये 1 ये 1, तो 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 विच इज 2 बाय 5, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ, एक हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्या साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको भी तुम लिख लो मेथड टू को, क्या लिखा मैं क्या बोला मैंने, यू विल यूज साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या था हमारा, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स डिवाइड बाई टू साइन एक्स इन टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो टू एक्स आ जाएगा अपॉन टेन इनवर्स फाइव एक्स, तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है cos 2x और फाइनाइट भी है 1 है x is equal to 0 पे, तो इसको तो मैंने खत्म कर दिया 1 लिख दिया इसकी जगह, और sin x upon sin inverse 5x, तो क्या किया इसको x इधर मल्टीप्लाई किया 5x, इसके नीचे 5x लिखा, इधर x लिखा और एक इधर x लिख दिया, तो sin x upon x 1 और 5x upon sorry ये वाला 5x इधर है tan inverse 5x upon 5x इधर खत्म, तो फाइनली कितना बना 2x upon 5x which is 2 by 5, तो देखो दोनों मेथड से हमारा मैच कर गया आंसर, क्लियर है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, देख रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो कॉस एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ज्यादा सीखोगे। चलो जैसे अब इसको एक तरीका तो स्ट्रेट है कि हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाते हैं जैसे इससे पहले लगाए थे, तो क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस फाइव एक्स सिक्स एक्स बाय टू थ्री एक्स और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स माइनस फोर फाइव एक्स फोर एक्स माइनस फोर एक्स बाई टू माइनस टू एक्स, तो टू एक्स ओ माइनस इससे हटा दिया अपॉन, अब एक एक एक्स दे दो दोनों को, तो ये 2 की कमी है तो 2 ऊपर नीचे किया, इधर 3x है तो 3 की कमी है 3 ऊपर नीचे किया, तो फाइनली ये sin 3x ये 3x कैंसिल, ये sin 2x 2x कैंसिल, तो फाइनली यू विल गेट 2 और इधर क्या था मेरा 2 into 2 4 into 3 8 by 3 आई थिंक, वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन बाकी प्रोसीजर है। अब एक और तरीका क्या है देखना विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कोई सोच सकता है, पहले खुद से सोचो, देखो cos x है मेरा, तो cos x के फॉर्मूले में मुझे
जो मैंने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें वन माइनस कॉस एक्स है, तो हम एक काम करते हैं, वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस कॉस फाइव एक्स। तो अभी जो ऊपर लिखा है वही ये लिखा है, अब क्या करें, अब हम सेपरेट कर देते हैं। तो देखो एक इस इतने पार्ट को और इतने पार्ट को, इसको लिखूंगा तो ये कहता होगा माइनस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर विच इज माइनस हाफ, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस हाफ। इसको अलग से लिख लेते हैं, चलो मैंने लिखा वन माइनस कॉस ऑफ फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिखा है अभी तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ अब लिखा है 25 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये अगेन हाफ हो गया, तो बाय टू, तो 25 बाय टू माइनस हाफ 24 बाय टू विच इज 12, तो आंसर आया इसका हमारा 12। तो वेरीफाई कर लेना इधर हमने कुछ मिस्टेक किया होगा, ठीक है ना, इधर हमने कुछ मिस्टेक किया होगा, नहीं करेक्ट है ना, ये 3x तो 3 का था, ये 3 था ना, ये 3 था ना, ये 3x के कारण, तो 2 टू द 4 3 द 12, तो ये 12 ही है हमारा, ठीक है ना, आंसर मस्ट बी 12, क्लियर है। तो सोचा कैसे हमने, ये वाला जो स्पेशली मेथड है, कैसे सोचा, कॉस एक्स के साथ हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें वन माइनस कॉस एक्स है, मतलब वन है साथ में, प्लस माइनस तो बाद की बात है, वन है, बट अभी तो था नहीं, तो हमने क्या किया, वन ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्ट किया वो इसको दे दिया, जो ऐड किया वो इसको दे दिया, फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले कन्वर्ट हो गया, और अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड है हमारे पास, क्लियर है। चलो तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखना ध्यान से देखना, लिमिट बहुत सी टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, x इंटू साइन ऑफ वन बाय एक्स, और इसी के साथ पैरेलल लिख रहा हूं मैं एक और, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू साइन ऑफ वन बाय एक्स, मतलब जीरो पे और इन्फिनिटी पे, दोनों पे हम इस सेम फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्म है, कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये x मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, और साइन ऑफ वन बाय एक्स मतलब साइन ऑफ जीरो जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अच्छा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, अब क्या करें, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आई विल ट्राई टू मेक इट अप्रोच टूवर्ड जीरो, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सारे एक्स टेंड टू जीरो के लिए। तो क्या किया इसको, इन्फिनिटी को जीरो पे लाने के लिए एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी किया, तो क्या हो गया लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, और एक्स की जगह आ गया वन बाई टी, और साइन ऑफ वन बाय एक्स हो गया साइन टी, तो साइन टी बाई टी, और ये तो अभी हमने देखा, ये तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया हमारा, वन डायरेक्टली आ गया। अब आते हैं इस पे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग वन, देखना ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग है, कैसे है, अगर पहले हम इंडिटरमिनेंट से देखते हैं किस टाइप की है भी या नहीं है, तो अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो ये तो जीरो को जा रहा है। अब देखो याद करो मैंने साइन ऑफ वन बाई एक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था तुम्हें, वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के टाइम, एक तो होता है एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, या फिर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट है, और तीसरा रीजन क्या बताया था, इफ फंक्शन फ्लक्चुएट्स, ठीक है, तो वो रीजन देके बच्चे लोग सोच सकते हैं कि हाँ ये फ्लक्चुएटिंग है इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट द आंसर इज वो अगर x नहीं लिखा होता तब मैं बोलता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इधर x लिखा है, इस x के कारण इसकी लिमिट आएगी, कैसे आएगी देखो सुनो, मैंने बोला x अगर जीरो को जाएगा तो क्या बताया था मैंने, इसका ग्राफ कुछ बताया था, जीरो के आसपास बहुत क्लोज होता है, क्योंकि एक 0.0 लेंथ में ही कितनी हजारों साइकिल आ जाती है उसकी, तो बेसिकली क्या है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन माइनस वन टू वन, क्लियर। अच्छा अब आते हैं हम, जब मैंने इंडिटरमिनेंट तो मैं फॉर्म एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग ऑफ, मैंने बोला था कौन से फॉर्म को हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, जब हम बाय ऑब्जर्वेशन बता ना पाए कि वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, जैसे कि मैंने लिखा जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, इसमें क्या करता है, जैसे जो फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है वो ओवरऑल आंसर को जीरो की तरफ पुल करता है, और इनफिनिटी की तरफ जो फंक्शन जा रहा होता है वो इनफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा दैट वी डोंट नो, डोंट नो से मतलब ये जीरो भी हो सकता है, इनफिनिटी भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी आ सकता है, ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। बट अब इधर ध्यान से देखो, इधर क्या चीज है, जीरो इंटू समथिंग एंड दैट समथिंग इज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन, मैंने बोला ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है कर रहा है फ्लक्चुएट, बट ओवरऑल वैल्यू तो जीरो की तरफ ही जाएगी, चाहे तुम इधर एग्जैक्ट वन भी ले लो तो भी जीरो अप्रोचिंग इनटू एग्जैक्ट वन है जीरो, मैंने इवन ऐसे लिखा जीरो अप्रोचिंग इनटू 1000 करोड़ दैट विल बी जीरो अप्रोचिंग, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये तो माइनस वन से बन गई, ये अगर इनफाइनाइट होता तो मेरा इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता, तो दिस इज नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, आंसर इज सिंपली जीरो, क्लियर होगा, इसलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं,
ये भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय थ्री, टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन कॉस ऑफ थ्री एक्स बाय टू। ठीक है, तो पहले एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, और मैं इसको बताता हूं। चलो अब देखना, पहले हम डिनोमिनेटर पे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने बोला डिनोमिनेटर में कॉस थ्री एक्स बाय टू है, तो मैंने बोला कॉस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, अगर है भी तो वो वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग है, ठीक है ना। अच्छा, वन माइनस समथिंग है, तो मैंने बोला अगर वो चीज जनरेट करनी है तो इधर मुझे प्लस माइनस वन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैंने माइनस वन इसके साथ क्लब कर भी लिया, तो लेकिन डिनोमिनेटर में एक प्लस वन तो रह जाएगा। देखो न्यूमरेटर में अगर एक्स्ट्रा प्लस वन होता है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में एडिशन में टर्म लिखी है उसको सेपरेट आउट तो नहीं कर सकते। इसका मतलब वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। दैट वॉज वन ऑफ द लाइन ऑफ थिंकिंग, बट हमने मिला कि उससे हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर कॉस की जगह साइन होता तो काम चल जाता, बिकॉज साइन में तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, तो फिर मैंने बोला क्या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑफ कोर्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसको मैंने लिख लिया, दिस पहले हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स बाय टू, विच इज परफेक्टली करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकली करेक्ट है ये। अच्छा, अब मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप, अब देख लेते हैं इस आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है अगर x पाई बाय 3 को तो जा रहा है। तो अगर x पाई बाय 3 होगा तो ये पाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई बाय 2 हो गया। अब लकीली क्या हुआ हमारा, इसको ऐसे लिखने पे, देखो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ऑफ लेट्स से पाई बाय 2 प्लस 3x बाय 2 भी लिख सकता था मैं। ऑफ कोर्स cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, सॉरी साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा होता है, बट इधर लिखने पे फिर मुझे एक और स्टेप करना पड़ता। क्या स्टेप करना पड़ता? इस आर्ग्यूमेंट को मुझे जीरो की तरफ लाके आना पड़ता। अभी एट प्रेजेंट ये कहाँ जा रहा है? पाई की तरफ जा रहा है। देखो पाई बाय थ्री रखो तो फिर इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, या फिर पाई में से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ, ये मेरा लकीली क्या हुआ, ये जीरो की तरफ जा रहा है, दिस इज जीरो अप्रोचिंग। तो साइन ऑफ समथिंग एंड सम दैट समथिंग इज जीरो अप्रोचिंग, तो हम क्या करें, वो समथिंग उसके डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको गायब कर देते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। समझ में आया क्या बोला मैं? चलो तो मैं इसको ये नहीं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। तो फाइनली आई एम राइटिंग इट लाइक दिस वे। अब थोड़ा सा डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर के ऊपर। अच्छा, अब न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर में रूट थ्री को मैं किसी साइन के टर्म्स में लिख सकता हूं। हाँ, क्या लिख सकता हूं? टू साइन पाई बाय सिक्स, सॉरी टू साइन पाई बाय थ्री। तो मैंने इसको लिख लिया टू साइन पाई बाय थ्री। अब मैं क्या यूज करूंगा? साइन सी माइनस साइन डी। पहले तो मैंने टू कॉमन ले लिया, फिर साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स माइनस पाई बाय थ्री होल डिवाइड बाई टू इन टू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री होल डिवाइड बाई टू, और नीचे मेरा लिखा ये साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स बाई टू। क्लियर है? अच्छा, अब जो कॉस वाला टर्म है दैट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, और वो एक नॉन जीरो फाइनाइट है। क्यों? पाई बाय थ्री रख के देख लो, पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री डिवाइड बाई टू इज पाई बाय थ्री, और कॉस पाई बाय थ्री कितना हो गया? हाफ। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है इसलिए मैं इसको हाफ लिख देता हूं, वो हाफ इस टू से वन हो गया। अब मेरा बचा ये टू। अब देखना ध्यान से, अब अगर एक्स पाई बाय थ्री को जा रहा है तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है? जीरो को जा रहा है। तो क्या करूं मैं? इस आर्ग्यूमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने लिखा एक्स माइनस पाई बाय थ्री होल डिवाइड बाय टू और एक्स माइनस पाई बाय थ्री होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो अब ये पार्ट मेरा कितना हो गया? ये वाला पार्ट वन, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो। तो फाइनली मेरा क्या बचा? टू इंटू दिस। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, सिमिलरली डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है? जीरो को। तो क्या किया? उसके आर्ग्यूमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स बाय टू, और इधर आ गया पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स बाय टू। अगेन दिस इज वन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हमें रब करके चलो साइड में लिख देता हूँ। फाइनल न्यूमरेटर में क्या बच रहा है हमारा? एक्स माइनस पाई बाय थ्री होल डिवाइड बाई टू, और डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारा पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स बाय टू। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो थ्री एक्स माइनस पाई अपॉन टू, और इधर मेरा हो गया पाई माइनस थ्री एक्स होल डिवाइड बाई टू। तो देखो ये टू से ये टू कैंसिल, कितना आ गया ये? माइनस वन। समझ रहे? तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आज तुम्हें फील आ जाएगी पक्का,
लिमिट की, ठीक है। और मजेदार टॉपिक ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, थोड़ा इजी भी है, ठीक है ना, और थोड़ा सा क्वेश्चंस जल्दी बनते हैं इसके, टाइम टेबल की एक बार अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई तुम्हारी तो तुम्हारे बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, फास्ट बनेंगे। तो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी आज की क्लास में देने वाला हूँ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स। चलो अब एक एग्जाम्पल देखना, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, वन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पॉज द वीडियो एंड डू ऑन योर ओन, पहले एक बार नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखना। अब मैं इसका डिस्कशन लेता हूं, सुन लो। तो स्टार्ट कैसे करें, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी? तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग तो ये है, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे डायरेक्टली, कॉस ए कॉस बी, मतलब टू कॉस ए कॉस बी होता है, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन माइनस वन बाय टू और टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी, एक मिनट, टू कॉस, यहां कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर एलसीएम लूंगा तो ये टू उधर गया, टू माइनस दिस अपॉन टू आएगा। अब देखो कॉस थ्री एक्स दिया है, कॉस एक्स दिया है, टू साथ में दिया है, तो क्या करें हम, इसका वन एक इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, फिर स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर, और सेपरेट भी कर दिया मैंने, एक स्टेप में लिख दिया वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर, बस खत्म। ये मेरा कितना है, हाफ, और अभी अभी तो नहीं है हाफ, ये डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि इसका स्क्वायर नीचे लिखा होना चाहिए, उसके लिए क्या किया मैंने, नाइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो अब ये वाला जो पार्ट लिख रहा हूं, जो मैं सर्कल में बना रहा हूं, दिस इज व्हाट, वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर एंड दैट समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, तो दिस इज हाफ, तो नाइन बाय फोर माइनस प्लस वन बाय टू, क्लियर है। अच्छा अब सुनना, एक और मेथड देखते हैं, इसका डिस्कशन और लेते हैं। तो दिस इज मेथड वन, तो मैं सारे मेथड से कॉपी करना है। अब मेथड टू, अब देखो मैंने बोला इसको मैं हटाई दे रहा हूं, ठीक है ना, तुम लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, यही लिख लो तुम, तो ना वन माइनस कॉस एक्स है, तो मैंने बोला अगर ये कॉस टू एक्स नहीं होता तो मेरा काम चल जाता, ठीक है। अच्छा या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैं इस वन के साथ एक कॉस एक्स अगर होता, वन माइनस कॉस एक्स, तो फिर हमारा काम चल जाता, अल्टीमेटली मेरा कॉस एक्स के साथ वन चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस वन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स ऐड किया। तो देखना क्या लिख रहा हूं, वन माइनस कॉस एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स, फिर उधर ऊपर जो लिखा है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब क्लिक कर गया होगा बहुत से लोग, यही मेन क्रिटिकल स्टेप है इसमें, अभी इसको सेपरेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर है, एक इसको सेपरेट करेंगे, ये तो हाफ आ रहा है, तो अगर कुछ पार्ट भी फाइनाइट आता है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं एडिशन में, तो ये हो गया हाफ प्लस, इस दोनों में से मैंने कॉस एक्स बाहर ले लिया, तो ये कितना हो गया, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट निकालनी है, फॉरगेट अबाउट दिस हाफ। तो ये कॉस, ये वाला जो कॉस एक्स है दैट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ये कॉस एक्स की जगह तो मैं वन लिख सकता हूँ, कॉस एक्स जीरो है तो ये वन हो गया और ये अगेन मेरा स्टैंडर्ड हो गया। इधर टू एक्स है बट इसका स्क्वायर नहीं लिखा, हालांकि तो स्क्वायर बनाने के लिए फोर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज मेरी कितनी होगी, हाफ, तो फोर इंटू हाफ टू, टू प्लस वन इज हाफ इज फाइव बाई टू, ठीक है ना। देख लेना इससे पहले वाला जो मेथड किया था उसमें फाइव बाई टू आ रहा है, यानी 100% आएगा, लास्ट में हो सकता है मैंने ऊपर नीचे कुछ मिस्टेक हुआ हो, बट आंसर इज फाइव बाई टू, ये परफेक्ट किया है, क्लियर है। अच्छा ये तो हो गया मेथड टू, अब आते हैं और एक और मेथड देखना। मैंने बोला और क्या है हमारी थिंकिंग, एक ये हाफ एंगल वाली चीज सोच सकते हैं, कॉस टू एक्स है, इसको अगर मैंने वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा, सुनना ध्यान से, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो जो वन है वो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा और बाहर होगा, तो इधर भी क्या जनरेट हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग इज, इसको मैं लिख रहा हूं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो ये कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स के साथ एक्स देख के हैप्पी मोमेंट, क्या हो गया, अब सेपरेट कर दूंगा तो ये पार्ट हाफ और ये साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर वन, और एक्स टेंस टू जीरो पे ये वन है, तो टू प्लस हाफ दैट इज फाइव बाई टू। तो समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन हम अलग अलग अप्रोचेस से कर सकते हैं, और अभी तो मैं और भी मेथड है इसके, वैसे एक्सपेंशन से भी इसको कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, अभी एक दो मेथड और बताऊंगा, वो अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिट का क्वेश्चन ऐसा नहीं एक ही मेथड से सॉल्व होगा, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर द सेम क्वेश्चन, ठीक है।
अच्छा चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों को दे देता हूँ, सो दैट तुम लोगों को भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो तो अब यहीं तक पढ़ते हैं, अब हम मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ। देखना होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो टेन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। सेकेंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड पाई बाय टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब। दिस इज फ्रॉम जेई मेंस, ठीक है ना, दिस इज फ्रॉम जेई मेंस। थर्ड क्वेश्चन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय सिक्स थ्री साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स अपॉन सिक्स एक्स माइनस पाई। अगर आज की क्लास में तुमने अच्छे से ध्यान दिया होगा ना, सारी चीजें एक एक बात याद होगी, तो जो मैं पांच क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ किसी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 100% तुम लोग पांचों के पांचों सॉल्व कर लोगे। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस वन, और अभी हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ही, ठीक है ना, डोंट थिंक कि सर इतना ही है क्या लिमिट में, नहीं बेटा बहुत हैवी लेवल, ठीक है ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है। तो ये होगा तो मान लो कि पांच होमवर्क क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब, थ्री साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स अपॉन सिक्स एक्स माइनस पाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय सिक्स। फोर्थ इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट इज एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स। परफेक्ट, करेक्ट है, बिल्कुल। तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है, चलो फिर मिलते हैं अगले दिन, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।